बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसकी क्या है स्टूडेंट, हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर आज हम लेक्चर नंबर करेंगे 9। लेक्चर नंबर 9 के अंदर है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शैक्षिक निर्धारण। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने किया कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके बारे में पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, परिचय दिया, जीवन परिचय के बारे में बताया कि जो प्याजे का जन्म था वो क्या है 9 अगस्त 1896 के अंदर हुआ था। तो जो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक अपना अलग उल्लेखनीय योगदान रखता है संज्ञानात्मक विकास के अंदर। तो 22 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने क्या है जंतु विज्ञान में अपनी पीएचडी की उपाधि क्या है प्राप्त कर ली थी। तो जैसे जैसे शिक्षा के अंदर क्या है उन्होंने अपनी अनेक पुस्तकें लिखी, अलग अलग तरह के योगदान दिया। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जैविकी और बालकों के सहभाविक व्यवहार का निरीक्षण का कार्य करता है। इसमें स्टूडेंट प्याजे ने क्या किया कि अपने जो चारों तरफ का वातावरण था, चारों तरफ के वातावरण के अंदर उन्होंने अलग अलग आयु के बालक ले लिए, उन्होंने क्या है उन बालकों से अलग अलग क्वेश्चनिंग की, अलग अलग क्वेश्चन पुट किए। तो क्या है किसी ने आंसर सही बताया और कईयों ने क्या है रॉन्ग आंसर बताया। तो रॉन्ग आंसर बताने पर स्टूडेंट क्या है प्याजे ने सोच में ही पड़ गए कि ये रॉन्ग आंसर बता रहा है, इसका क्या कारण है। तो जो चारों तरफ अपने वातावरण के अंदर उसने क्या है अलग अलग स्टूडेंट लिए, तो उनका क्या है उन्होंने निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद उनका पूरा बायोडाटा बनाया, लेखा जोखा बनाया, फिर क्या है उनका विश्लेषण किया। इस प्रकार क्या है जो बालक जो प्याजे ने किया है बालकों के स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण किया है, बालक जो प्याजे हैं उनको क्या है संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास का पिता भी कहा गया है। तो उस लेक्चर के एट लेक्चर के अंदर हमने किया था कि जो संज्ञानात्मक विकास की कार्यविधि की दो विशेषताएं बताई थी उन्होंने, कौन कौन सी विशेषताएं स्टूडेंट की, संगठन और अनुकूलन। अनुकूलन के आगे दो पार्ट थे जैसे आत्मसात्करण और समाविष्टीकरण। फिर उन्होंने जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की क्या है चार अवस्थाओं के अंदर उसने डिवाइड किया था। चार अवस्थाएं कौन कौन सी थी, फर्स्ट वन थी संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो एज के हिसाब से स्टूडेंट उन्होंने क्या है प्याजे ने इनका अलग अलग इन्हें एज के हिसाब से डिफाइन किया कि बच्चे की एज के हिसाब से जो मेंटेलिटी है वो कैसे डिवेलप होती है, बच्चा कैसे कैसे न्यू चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और जो पुराना ज्ञान है न्यू ज्ञान है उन दोनों को आपस में मिलाकर उन्हें किस चीज का क्या है एवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार क्या है अलग चारों वस्तुओं के अंदर एज के हिसाब से बच्चा किस प्रकार हर ज्ञान का निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या है अपना सारा लेखन जोखा तैयार किया और एज के हिसाब से वो चार अवस्थाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। तो आज हम स्टूडेंट बात करते हैं कि प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक निर्धारण। जो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो शिक्षा के अंदर भी अपने बहुत बड़ा क्या है योगदान रखता है, योगदान रखता है। तो आज उस योगदान को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा क्या है एक्सप्लेन करेंगे, प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो फर्स्ट बिंदु स्टूडेंट कौन सा है, संगठन अनुकूलन व आत्मसात्करण प्रबल। फर्स्ट है संगठन कोमा अनुकूलन अनुकूलन व आत्म साथ आत्मसात्करण पर बल। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि संगठन अनुकूलन व आत्मसात्करण पर बल कैसे। इसके अंदर स्टूडेंट पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्याजे ने स्पष्ट किया है कि जो प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो क्या है, जो जीव जंतु हैं निम्न सत्रीय जीवों से भिन्न शारीरिक संगठन का होना है। इसके अंदर क्या है जो निम्न सत्रीय के जीव जंतु हैं उनका इनके अंदर कोई रोल नहीं है, इनका क्या है जो मानव का शारीरिक ढांचा है या शारीरिक सोच है या शारीरिक संगठन का ही योगदान रहा है
उन्होंने इस पॉइंट के अंदर क्लियर किया है कि जो स्टूडेंट के पास जो एज के हिसाब से स्टूडेंट के पास जो पुराना ज्ञान होता है और न्यू ज्ञान के अंदर इन दोनों को अर्जित करके क्या है नई स्थितियों में प्रयुक्त करने की जन्मजात क्षमता है कि शारीरिक रचना की दृष्टि से मानव अन्य जीवों से भिन्न है, उसमें अनुकूलन नवीन ज्ञान अर्जित ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ आत्मसात करके नई अनुभवों को नई स्थितियों में प्रयुक्त करने की क्या है जन्मजात क्षमता है। यह सिद्धांत बालकों की जन्मजात क्षमताओं को विकसित करने का एक क्या है बल देता है कि जो बच्चे के पास पुराना ज्ञान है और न्यू ज्ञान को आपस में मिक्स करके वो जन्मजात जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करने का क्या है बल देता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट वंशानुक्रम व वातावरण का योगदान। अब स्टूडेंट कैसे इस पॉइंट को हम कैसे क्लियर करते हैं कि ये कैसे योगदान है इनका वंशानुक्रम का, कोई भी क्योंकि कोई भी बालक जब पैदा होता है वो वंशानुक्रम द्वारा है हेरिडिटी से कोई ना कोई शक्तियां लेकर पैदा होता है, लेकिन उन शक्तियों का प्रॉपर जो विकास है वो कहाँ होता है वातावरण के दायरे के अंदर ही होता है। तो स्टूडेंट हम वही बात कर रहे हैं कि प्याजे ने स्पष्ट किया है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की अहम भूमिका है। क्या है वातावरण तथा व्यक्ति ने वातावरण तथा व्यक्ति के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति व दिशा को एक नई दिशा प्रदान की है, नया निर्देशन दिया है, क्योंकि हर बालक कुछ जन्मजात शक्तियों के द्वारा कह पैदा होता है, लेकिन वो शक्तियां कहाँ अर्जित विकसित होती हैं आकर वो क्या वातावरण के दायरे के अंदर ही विकसित होती हैं। तो इस प्रकार बच्चे का जो मेंटल जो उसकी बौद्धिक क्षमता है वो क्या है विकसित होती है, जिसे क्या हम संज्ञात्मक विकास का नाम देते हैं। तो कहीं जब ये बच्चा लेकर पैदा होता है ये शक्तियां लेकर पैदा होता है तो इसे एक नई गति व दिशा कौन प्रदान करता है वातावरण प्रदान करता है, जो क्या है बच्चे की जो भी जन्मजात शक्तियां हैं जो भी बच्चा कुछ शक्तियां लेकर पैदा हुआ है उसका विकास क्या है वातावरण द्वारा इन शक्तियों का विकास होता है। इसलिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जो क्या है बालक की शक्तियां हैं उनका जो जन्मजात शक्तियां हैं वो क्या है उनका पूर्ण विकास हो सके। तो इस प्रकार वंशानुक्रम तथा वातावरण जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियां हैं बच्चा जो भी कोई शक्ति लेकर पैदा हुआ है उनका विकास क्या है वातावरण के दायरे के अंदर ही होता है। स्टूडेंट अगला पॉइंट है इंद्रिय अनुभवों पर बल। इंद्रियां अनुभवों पर बल। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि इंद्रियां अनुभवों पर बल। अब इंद्रियां अनुभवों पर बल कैसे स्टूडेंट, जो इंसान के पास चार पांच इंद्रियां है जैसे जीव नाक कान त्वचा ये सारी जो है क्या इंद्रियां है, ये अगर इंसान अपने बर्थ के बाद या बालक अपने बर्थ के बाद आगे प्रोग्रेस करता है वो किसके द्वारा करता है इन इंद्रियों के द्वारा ही करता है। तो स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा कैसे जो संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे होता है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट प्याजे के अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक इंद्रियों के प्रत्यक्ष प्रयोग को अधिक सीखती है। बच्चा क्या है बच्चा जैसे ही अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा किसी चीज को छूते हैं मोड़ते हैं आगे धकेलते हैं पीछे लेकर आते हैं, तो क्या है अगर बच्चा इंद्रियों के द्वारा किसी चीज का प्रॉपर क्या है प्रयोग कर रहा है तो वो इंद्रियों के द्वारा जो भी बच्चे के द्वारा जो भी सीखा होता है वो क्या है लॉन्ग टाइम तक याद रहता है उसे। और क्या है सॉरी स्टूडेंट और क्या है वो लंबे टाइम तक उसे याद रखता है और कभी भूल नहीं पाता। इंद्रियों का प्रयोग करके जब भी कोई चीज सीखता है
तो क्या है, बालक किसी चीज को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितनी अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं वह विषय वस्तु को उतनी ही शीघ्रता से सीखते हैं। बेशक टीचर उसका कितना ही क्या है कुछ सिखा रहा है, कितना ही किसी क्या है अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देके सिखा रहा है, जब तक बच्चा उस चीज को स्वयं करके नहीं देखता, अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करके नहीं देखता, तो बच्चा क्या है नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार किसी भी चीज को जब बच्चा स्पर्श द्वारा महसूस करके शुरू के उस चीज को सीखता है, बच्चा क्या है उतनी जल्दी सीखता है। बच्चा जब ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उस चीज को सीखता है तो वो जो चीज सीखी गई है वो उसे लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, और वो एक्सपेरिमेंट करके देखता है तो वो कभी चीज को भूलता नहीं, लॉन्ग टाइम तक वो क्या है याद रख सकता है। इस प्रकार बालकों द्वारा अधिगम में एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग किया जा सके या किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है संज्ञात्मक विशेषताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था। संज्ञात्मक विशेषताओं विशेषताओं के अनुरूप अनुरूप शिक्षा व्यवस्था। देखो स्टूडेंट की संज्ञात्मक विशेषताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात यहाँ पे हो रही है स्टूडेंट कि जो संज्ञात्मक विशेषताओं के अनुरूप शिक्षा, अब बच्चे एक ही क्लास में क्या है अलग अलग वर्ष के अलग अलग आयु के बच्चे होती हैं, चाहे आप एक क्लास के अंदर लगा लो चाहे अलग अलग सेक्शनों के अंदर लगा लो, तो स्टूडेंट जो भी शिक्षा की फैसिलिटी दी गई है, जो भी शिक्षा क्या है बच्चे को दी जानी चाहिए, तो प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अभिभावकों और अध्यापकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जो बालक है वो भिन्न भिन्न आयु सत्र के हिसाब से अलग अलग है, तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है संज्ञात्मक विकास है उसका वो भी अलग अलग होएगा, क्योंकि बच्चे की तर्क करने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति या कोई किसी चीज को आलोचना करने की शक्ति, अवलोकन करने की शक्ति वो क्या है अलग अलग होगी। तो जो भी बच्चे को कोई भी चीज करवा रहे हैं बच्चे की एज के हिसाब से हो, ना कि वो टीचर के हिसाब से, बच्चा जो भी टीचर करवा रहा है वो क्या है बच्चे को सामने, बच्चे क्या है बच्चा सामने मुख होना चाहिए, ना कि टीचर अपने हिसाब से करवाए। तो जो भी बच्चा जिस एज के हिसाब से है, क्योंकि एक क्लास के अंदर अलग अलग आयु के बच्चे होते हैं, चाहे आप स्कूल के अंदर लगा लो, स्कूल तो क्या है अलग अलग क्लासेस होंगी नेचुरली स्टूडेंट, तो वहाँ पे एज का डिफरेंस तो होगी होगा, हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, चाहे हम जो भी टीचर किसी टॉपिक को समझा रहा है तो वो वहाँ पे क्या है भिन्न भिन्न आयु के बालक होंगे, तो जो भी कुछ करवा रहा है टीचर बच्चों को सामने रखकर करवाए कि ये बच्चा किस लेवल का है, जो मैं बच्चे को करवा रहा हूँ वह क्या बच्चे को समझ आएगा, बच्चे की एज के हिसाब से क्या मैंने जो चूज किया है वो सही है। अगर क्या है बच्चा 5 साल का है, टीचर उसे मैथ के सम लगा लो, चाहे कोई हिंदी के सेंटेंस लगा लो, चाहे इंग्लिश का कोई टॉपिक लगा लो, वो उसकी एज के हिसाब से लंगर वा रहा है, तो बच्चे को कहाँ से समझ आएगा स्टूडेंट। तो बच्चे को मुख नजर रख के ही टीचर का कर्तव्य बनता है कि जो भी संज्ञात्मक विशेषता पर अनुरूप ही शिक्षा की क्या है व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है मूर्त अवधारणाओं पर बल। मूर्त अवधारणाओं पर बल। अब मूर्त अवधारणाओं पर बल कैसे स्टूडेंट, हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि प्याजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष के जो बालक होते हैं वो क्या है मूर्त वस्तुओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की क्या है जानकारी हासिल करना चाहते हैं, चाहे 7 से 12 वर्ष का बच्चा है चाहे 10 साल का बच्चा है, वो क्या है अपने सामने अपनी आंखों के सामने जो टीचर करवा रहा है, चाहे वो टीचर क्या है किसी टीचर ने कहाँ भ्रमण किया हो, किसी जगह विजिट किया हो, किसी शहर पे गया है, तो बच्चा क्या है बच्चे को समझा रहा है वो टॉपिक,
टीचर क्या है फॉरेन कंट्री घूम के आया, तो बच्चा क्या है उसे सही सही नजर में अपने सामने देखना पसंद करेगा, एक तो ये बात है। तो हम इस यदि इस अवस्थाओं में सूचनाओं को उनके समक्ष मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाए तो बालक विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण कर लेता है। अब हम बात कर रहे हैं, टीचर ने चाहे कोई एसएस का टॉपिक लिया है, चाहे कोई साइंस का टॉपिक लिया है, तो स्टूडेंट टीचर क्या है कोई टॉपिक ऐसा चूज कर लिया टीचर ने कि टीचर को जरूरत है कि वो मॉडल के द्वारा कोई चार्ट द्वारा या कोई कुछ भी उसे क्या है दिखा के उसके जो विषय सामग्री है उसे और भी इजी बना सकता है। अब टीचर एग्जांपल दे रहा है कि आगरा के अंदर क्या है ताजमहल है, तो ताजमहल के बारे में बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट क्या है एग्जाम्पल दे रहा है, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दे रहा है, तो बच्चे को क्या है ताजमहल के बारे में जागरूक करवाए, वहां का भ्रमण करवाए, उन्हें विजिट करवाए, तो इससे क्या है बच्चे की जो नॉलेज भी इंक्रीज होएगी, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है नया ज्ञान के अंदर क्या है दोनों चीजें ऐड होएगी और बच्चे का क्या है नॉलेज जो एक्सपीरियंस वो भी बढ़ेगा। इस प्रकार बच्चे के सामने हर बच्चे को बाहर विजिट करवाया जाए, बच्चे को हर जगह लेकर जिस चीज के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हो, जिस चीज के बारे में समझाया जा रहा है, तो हर जगह क्या है बच्चे को अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करके उन्हें उस चीज का भ्रमण करवा के उन्हें उस चीज की शेयर करवा के तो क्या है इन चीजों के बारे में बताया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है अमूर्त चिंतन के अवसर। अमूर्त चिंतन के अवसर। अब मूर्त चिंतन के अवसर कैसे स्टूडेंट देखिए इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार 11 से 15 वर्ष की आयु अवस्था में बालकों के चिंतन मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है बच्चा पलायन करता है। बच्चा क्या है जो बच्चे की आयु है जो मानी गई है 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष के अंदर बच्चा क्या है मूर्त से अमूर्त की ओर पलायन करता है। बच्चे को जो अमूर्त चीजों के बारे में अध्यापक उसके पेरेंट्स उन्हें समझा रहे हैं तो बच्चा उसके बारे में क्या है न्यून न्यून तर्क प्रस्तुत करता है, उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके बारे में अवलोकन करता है। तो क्या है बच्चे को इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने लगता है, अतः इस अवस्था के दौरान माता पिता अध्यापकों और विद्यालयों द्वारा बालकों को चिंतन को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। बच्चा जिस चीज के बारे में पूछ रहा है उसकी बात को इग्नोर ना करके, उसकी बात को इग्नोर ना करके हर पेरेंट्स का हर अध्यापक का हर टीचर का कर्तव्य बनता है कि उसकी बात को इग्नोर ना करके उसकी जो विषय वस्तु के बारे में बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया है या उस विषय वस्तु के बारे में जानना चाहता है तो जितना हो सके उसके बारे में क्या है बच्चे को बताया जाए, इससे क्या है बच्चे के चिंतन तर्क शक्ति के अंदर बढ़ोतरी होती है, उसकी बौद्धिक और मानसिक क्षमता भी विकसित होती है। अगला पॉइंट है अधिगम में विषयों का परस्पर संबंध। अधिगम में विषयों का परस्पर संबंध। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की अधिगम में विषयों का परस्पर संबंध। बच्चा जो भी कुछ पढ़ रहा है, जो भी बच्चा कुछ लर्न कर रहा है, किसी चीज को अगेन करने की कोशिश कर रहा है तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि बच्चे ने अब कुछ भी सीखना है, बच्चे ने क्या है हिंदी का कुछ सीखना है, चाहे बच्चे ने इंग्लिश का कुछ सीखना है, तो विषयों का आपस में क्या है परस्पर संबंध होना चाहिए। अगर बच्चा इंग्लिश का कोई टॉपिक लर्न कर रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बच्चे को क्या है हिंदी का सहारा लेकर उसे एक्सप्लेन करवाना चाहिए ताकि बच्चा हिंदी का सहारा लेकर उसे अच्छे से लर्न कर पाए। अगर बच्चा कुछ साइंस का कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो मैथ का सहारा लेकर बच्चे को कुछ भी समझाया जाए। इस प्रकार
जो भी विषय है उनका आपस में क्या है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपस में संबंध होना चाहिए, ताकि बच्चे को एक विषय के बारे में जानने के लिए, एक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय की क्या है वो आसानी से सहायता ले सके। तो इस प्रकार हम बात करते हैं स्टूडेंट की, प्यादे ने स्पष्ट किया है कि उत्तर बाल्यकाल में बालक कर्मी करण वर्गीकरण तथा उपवर्गीकरण प्रत्ययों का संग्रह कर लेते हैं। इस संरक्षण के नियमों का ज्ञान होने लगता है। शिक्षक इन प्रत्ययों का ज्ञान प्रयोग यदि विज्ञान, गणित, भाषा आदि विषयों को आपस में संबंधित करे तो बालक को क्या है शीघ्रता से हर चीज लर्न हो सकती है और बच्चा उसका क्या है दुगना लाभ उठा सकता है। इस प्रकार जो भी बच्चे को करवाया जाए वो एक विषय का दूसरे विषय से क्या है संबंध होना चाहिए। कुछ भी समझा रहा है कि जैसे बच्चों को इंग्लिश का कुछ समझ नहीं आ रहा, उसमें एक टीचर एक अध्यापक क्या है अध्यापक हिंदी का सहारा लेकर कुछ भी उसे समझा सकती है। तो इस प्रकार जो विषय है उनका आपस में एक अधिगम के मामले में संबंध होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट करके सीखने के लिए प्रेरणा। 8th पॉइंट है स्टूडेंट करके सीखने के लिए प्रेरणा। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की करके सीखने के लिए प्रेरणा कैसे कि बालकों में खोज की प्रवृत्ति क्या है जन्मजात होती है। बच्चा विभिन्न बालक किसी वस्तु के बारे में क्या है भिन्न भिन्न क्या है नॉलेज रखते हैं, भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अगर उसका टीचर साइंस का टीचर है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज के बारे में उन्हें ज्ञान दे रहा है, तो बच्चा क्या है पहले तो अपने टीचर को ऑब्जर्व करेगा, फिर घर जाकर क्या है उसे स्वयं करके सीखेगा। तो इससे क्या है बच्चे की जो मेंटल है बौद्धिक क्षमता है वो डिवेलप होती है। अब हम घर में लगा लो घरेलू गृहस्थी के अंदर कि अगर बालक क्या है जो किशोर है वो अपने माता का जो किशोर है वो क्या अपने पिता का अनुकरण करता है किसी भी घरेलू कार्य के अंदर जो उसके लेवल के काम है। अगला पॉइंट है इसी के अंदर कि जो किशोरियां हैं वो अपनी माता की क्या है कॉपी ज्यादा करती हैं कि मम्मा मेरी मम्मा झाड़ू कैसे लगाती है, आटा कैसे मलती है, सब्जी कैसे बनाती है, तो वो क्या है एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहती है। उन्हें ये होता है कि करके सीखने के लिए प्रेरणा। अगर एक माँ क्या है अपनी बेटी को कुछ भी सिखाने जा रही है तो पहले क्या है उसे करके दिखाएगी, फिर बच्चा उसके ऊपर फोकस करेगा, बच्चा उसको क्या है करने की इच्छा करेगा कि ये कैसे की है। एक तो बच्चे की क्या है नॉलेज इंक्रीज होती है और बच्चा जो करके स्वयं सीखता है वो लॉन्ग टाइम तक बच्चे के मन के ऊपर अंकित रहता है और वो क्या है कभी भी भूलता नहीं उस चीज को। तो करके सीखने के लिए प्रेरणा बच्चे को टाइम टू टाइम देनी चाहिए। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम का नियोजन व संगठन। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट पाठ्यक्रम का नियोजन व संगठन कैसे कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पाठ्यक्रम के नियोजन व संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जो भी हम संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, जो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या है पाठ्यक्रम का नियोजन व संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो कैसे कि बच्चे को जो भी पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो भी बच्चे के क्या है लिए पाठ्यक्रम चूज किया जा रहा है, तो वो बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चे को सामने रखकर एज के हिसाब से वो क्या है विकसित करना चाहिए और पाठ्यक्रम के अंदर क्या है लचीलापन भी होना चाहिए ताकि बच्चा समय के हिसाब से उसे चेंज कर सके, उसमें फिक्सअप नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम का नियोजन व संगठन, तो पाठ्यक्रम को बालकों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नियोजित व संगठित किया जाना चाहिए। छोटे बालकों के लिए ऐसे अनुभवों की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें वे क्या है संवेदनात्मक काम क्रियाओं का
अधिक प्रयोग कर सके और पाठ्य वस्तु का अधिकांश भाग शारीरिक क्रियाओं व स्थूल क्रियाओं के संपर्क में आकर सीख सके। जो भी सिखाया जा रहा है उसमें शारीरिक एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, स्थूल सूक्ष्म क्रिया जरूर होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो भी सीख रहा है उसका लॉन्ग टाइम तक उसका फायदा उठा सके। तो पाठ्यक्रम के अंदर एक्टिविटीज होनी चाहिए, बच्चे अपने हाथ से अपने शरीर के जो पार्ट हैं उनका प्रयोग करके हर चीज को अगेन कर सके, प्राप्त कर सके, ताकि उसका फायदा बच्चा क्या है लॉन्ग टाइम तक उठा सके। तो पाठ्यक्रम का नियोजन व संगठन क्या है, बच्चे के हिसाब से ही होना चाहिए। अगला पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा। व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की व्यक्तिगत विविधताओं के अनुरूप शिक्षा, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है कि क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक रंग रूप कद इवन तक की मानसिक और बौद्धिक क्षमता भी क्या है उनके अंदर अलग अलग होती है। अब हम यहाँ शैक्षिक की बात कर रहे हैं, प्याजे का जो क्या है शैक्षिक निखार की बात कर रहे हैं कि कोई यहाँ तक कि एक कक्षा के अंदर दो बालक भी एक जैसे नहीं होते, उनके अंदर कोई ना कोई भिन्नता तो हमें देखने को मिलती ही मिलती है। कई बार क्या है बच्चे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, टीचर की जो बात समझाई होती है चाहे टीचर कोई भी कार्य करवा रहे हैं वो आसानी से कैच कर जाती हैं, कोई क्या है स्लो लर्नर होते हैं, जो भी टीचर के द्वारा काम करवाया जा रहा है वो क्या है अच्छी तरह से नहीं सीख पाते, वो क्या है उसे याद करने के लिए बहुत समय लगता है। तो हर टीचर को बच्चे की एज के हिसाब से जो भी कार्य करवा रहा है बच्चों को कुछ भागों के अंदर डिवाइड करके करवाया जाए ताकि बच्चा शिक्षा के अंदर क्या है पिछड़ ना सके। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंस की कि कोई भी बालक मानसिक भिन्नताओं के आधार पर किसी अन्य बालक के समान नहीं होता, उनके अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां जो उनकी व्यक्तित्व भिन्नता को क्या है हमारे सामने प्रदर्शित करती हैं, स्पष्ट करती हैं, तो उसके हिसाब से ही बच्चों को क्या है पढ़ाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट प्रायोगिक विषय वस्तु पर बल। प्रायोगिक जैसे आपको स्टूडेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रायोगिक विषय विषय वस्तु पर बल। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि प्रायोगिक विषय वस्तु पर बल कैसे, कि बच्चे को जो भी कुछ करवाया जा रहा है वो क्या है प्रयोग प्रयोग के माध्यम से करवाया जाए, एक्सपेरिमेंट करवा के करवाया जाए, जो भी उसकी विषय से रिगार्डिंग है चाहे वो साइंस है चाहे वो मैथ है, भिन्न भिन्न मॉडल दिखाकर कोई भी चीज को शो करके कि ये बच्चे ऐसे नहीं ऐसे हुई उनके संबंधित उनसे रिगार्डिंग क्या है अलग अलग बच्चों को एग्जाम्पल देकर एक्सपेरिमेंट करवा कर क्या है बच्चे के सामने किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है प्याजे के अनुसार 11-12 वर्ष के बच्चे आ जाते हैं तो बालकों में मूर्त चिंतन संबंधी विशेषताएं पाई जाती हैं। बच्चा क्या है अमूर्त से मूर्त की ओर पलायन करने लगता है, बच्चे की तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, इस आयु के अंदर अमूर्त चिंतन शक्ति विकसित नहीं होती, अतः इस स्तर पर विषय वस्तु को मूल रूप से अथवा मूर्त रूप से सीखते हैं। इस प्रयोजन के लिए